डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन राइजिंग क्लासेस। आज के दिन हम दो फ्रैक्शन नंबर को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं उसको सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ वन फ्रैक्शन नंबर। हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया है तो उसको हम किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज की कोशिश करते हैं, 3/4 है, ठीक है, एंड 4/6 है। इन दो नंबरों को हमें ऐड ऑन अगर करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और इस वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसकी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। 4 और 6 का मैंने एलसीएम लिया और इसका एलसीएम अगर देखें तो किस तरह से आएगा, 2 और 2 और 4 एंड 3 एंड 3। ठीक है, तो इसका अगर टोटल एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 12। तो इसका एलसीएम आ गया 12। ओके, तो फर्स्ट स्टेप कि हमें सही तरीके से पूरा एलसीएम लेना है। दूसरा, हमें अब ये देखना है कि 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स पे आता है। तो 4 के टेबल में अगर देखें हम तो 3 टाइम्स पे 12 आता है। उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी साइन है, अगर प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइडेड टू डिवाइड, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस को लिख देंगे। फिर हमें देखेंगे कि 6 के टेबल में कितनी बार में 12 आता है। तो 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स पे, तो 2 से इसको इंटू कर देंगे, 2 × 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली 3 × 3 करेंगे, 9 हो जाएगा, 2 × 4 करेंगे, 8 हो जाएगा, और इसके नीचे 12 आ जाएगा, और इन दोनों को हम एड ऑन कर लेंगे, तो 9 और 8 हो जाएगा 17 एंड 12। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये सिंपल स्टेप्स है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए 4/7 हो एंड 3/8, ठीक है, इसको कैसे करना है। वैसे तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो सकता है। तो अगर सारे क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम है, तो हम सिंपली हम अपना एक फॉर्मेट अपनाते हैं कि 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, और 7 8 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा, 2 7 2 एंड 7 1 एंड 7। ठीक है, अब इसका हम सिंपली एलसीएम लेते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 जा 56, है ना। अगर आप इसको करें, देखिए मैं बेसिक सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम लगातार बहुत सारे वीडियोज़ अपडेट करने वाले हैं। 8 × 7 हो जाएगा 56, तो इसका एलसीएम आ गया 56। अब आपको देखना है कि 56 किस टाइम पे आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 56 7 के टेबल में 8 टाइम्स पे आता है, ठीक है ना, 8 7 जा 56, और 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्लस है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर देखेंगे 8 के टेबल में 56 कितनी टाइम्स पे आता है, तो 8 के टेबल में 56 आता है हमारा 7 टाइम्स पे, तो 7 × 3 कर लेंगे और सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, ठीक है, एंड 7 3 जा 21 एंड देन 56, और इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको हम ऐड ऑन करते हैं तो अपना आ जाएगा 53, ठीक है, एंड 56, दिस इज आवर आंसर। सिंपली हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये दो एलसीएम, जब भी आपको एलसीएम नंबर देखते हैं आप सिंपली कर लीजिए। और एक थर्ड टाइप आता है, जब लाइक टीचिंग एक्सपीरियंस है, बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि ऐसा आ जाए तो क्या करना है। ऐसा जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे 1 मान लेना है और इसका आप एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, और इस 9 को आप डायरेक्टली इस 9 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 आ जाएगा, एंड प्लस 4 कर दो तो 40/9। ये तीन टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे को हमेशा दिखते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, जिसको आप ऐसे एड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू, और इसकी आप प्रैक्टिस करिए।